अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मक्की की रोटी, वो है ना गंदलां दा साग ते मक्खन मकई। तो ये मक्खन मकई वाली रोटी हम बना रहे हैं, तो आप इसका तरीका देखें। ये मक्की का आटा है, इसको हमने छान लिए। मेरे पास ये गर्म पानी है, इतना गर्म है कि आप इसके अंदर फिंगर रखे हो तो जलेगी नहीं, ठीक है। हमने अभी सिर्फ इसको भगोना है। ये दो प्याली आटा है, इसमें तकरीबन हम एक प्याली पानी डालेंगे और यूँ इसको इसकी डो को थोड़ा मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। ये देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें, बस इनफ। अब हम इसको ढाँप देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसकी डो फिर रेडी करेंगे। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो काफ़ी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा रब करते हैं, उसका तरीका ये है। ये देखें यूँ, का तरीका यही है। ये हथेली की जो ये वाली चीज है ना, इसके साथ आपने प्रेस करना है इसे। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह रब करेंगे और फिर ये हमारी डो रेडी हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं और आपको रोटी बना के दिखाएंगे। ये देखें, आएंगे थैली पे। ये देखें, मैं स्लो करती हूँ। ये देखें, कहीं पे कोई क्रैक नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमारी डो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब हम इसको इस एंगल में स्लो स्लो तपकेंगे। हमने इस चीज़ को प्रेस करना है, सेंटर से नहीं दबाना। इससे क्या होगा कि किनारे भी बारीक होंगे और ये देखिए रोटी का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए हमारी रोटी बड़ी हो गई है। अगर किसी को ये स्टेप जो है वो मुश्किल लग रहे हैं, उसका इजी भी ये है कि ये हमने एक रुमाल लिए, इसको किसी भी ट्रे पे या चकली पे बिछा लें, ये हमने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। अब यूँ हाथ से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखें, और इसका साइज़ बड़ा करते जाएंगे। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए उतना कर सकते हैं। ये देखें, ये रुमाल के साथ चिपकनी नहीं चाहिए, आपने इस स्टाइल से इसको बेलना है। और अगर आप बेलन से चाहे तो बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। ये देखें जी, हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनी है, बिल्कुल बारीक, जैसे गंदम की रोटी है सेम वही। मैंने तवे को ग्रीस कर लिया था हल्का सा, तो आप चाहें तो आप मक्खन लगा लें ऊपर। मैंने देसी घी यूज़ किया है, जैसे ये थोड़ी सी सेट होती है इसके ऊपर भी मैं देसी घी लगाऊंगी। ये देखें, हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे, नीचे से वो सेट हो चुकी है। अब इसको पलटते हैं। ये बिस्मिल्लाह की बरकत। ये देखें जी, इसने पलट लिए। इसके किनारे चेक करें ज़रा, ये देखें कितनी बारीक है, बहुत ही बेहतरीन कलर आया माशाल्लाह से। अब ये पक के रेडी हो गई है, हम इसे डिश आउट करते हैं। तो आप इसके पीसेस कर लें, फिर इसको थोड़ा सा हाथ से मैश करें और गुड़ और घी में मिक्स करके इसकी चूरी बनाएं और इंजॉय करें। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।